मैडम आपके सामने, वो ऊपर से मैडम आपके सामने टाइम दे पानी का, ये कौन सा एंगल है? गुरुजी आप आ जाओ गुरु जी, साजन सर तब क्या था और अब क्या कुछ बदलाव आपके हिसाब से क्या क्या किस तरह के बदलाव देख रहे हैं? अच्छा है, बदलाव भी अच्छा है, काम करेंगे उसके बाद बताएंगे, अभी तो स्टार्ट नहीं किया, तो एक बार काम हो जाए उसके बाद बता सकते हैं कि काम करके कैसा लग रहा है, क्या क्या बदलाव है। अच्छा ये जो गाना है माँ ओ माँ, इसके बारे में जरा कुछ बताएंगे, आपने सुना होगा, आपका क्या रिएक्शन है और क्यों हाँ कही, इसकी कोई वजह होगी? गाना बहुत अच्छा है। ओके, हाँ तो बोलना ही है, ना बोलने की कोई वजह नहीं है, अपने आप में गाना बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा गाना है। आपने 30 साल का इंतजार करवा दिया अपने फैंस को वापस से कम बैक करने के लिए, इसके लिए क्या कहेंगे आप? काफी लंबा इंतजार करना पड़ा जी इसके लिए, तो अभी अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कह सकती। अच्छा इस दौरान आपको ऑफर्स तो आती रही होंगी जी, तो इस ऑफर के लिए हाँ कहने का और बाकियों के लिए ना कहने की कोई वजह होगी? Why you said yes to this particular of Mr. Sajan Agarwal? ऑफर्स आ रही थी लेकिन मुझे पसंद नहीं थी, तो इसलिए उनको हाँ नहीं बोला था। और ऐसा नहीं है कि मतलब कोई स्पेशल रीज़न से हाँ बोला है, क्योंकि मैं इनको जानती हूँ सालों से, एकदम फैमिली जैसा रिलेशन है इनके साथ, तो बस यही एक रीज़न हो सकता है। आपकी माइलस्टोन फिल्म राम तेरी गंगा में आपको नवजात शिशु की माँ के रूप में प्रस्तुत किया गया था, यहाँ भी आप माँ हैं, तो ये माँ का कनेक्शन के बारे में जरा कुछ कहना चाहिए आप? आई थिंक ये सबसे अच्छा एक फीलिंग होती है, मदरहुड की जो फीलिंग है, जो एक रिलेशन होता है बच्चे के साथ एक माँ का, सबसे प्योर और सबसे अच्छा रिलेशन है, तो इसके लिए तो जितना भी लंबा हम बोले कम होगा, सभी जानते हैं इस चीज़ को। इस एल्बम के बाद आपके लिए बॉलीवुड के और नए दरवाजे खुल जाएंगे जी, तो आपने कुछ दिमाग में सोच रखा है? नहीं जी, अभी मैंने कुछ भी नहीं सोचा है, मैं सिर्फ ऐसे ही फ्री होके अभी सिर्फ ये स्टार्ट कर रही हूँ, अभी इसके बाद कैसे मुझे क्या करना है वो बाद में सोचूंगी। थैंक यू, लेकिन मैंने सोचा है हम लोग एक